आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के अंदर खाने सीएम फेस को लेकर तकरार है। पिछले दिनों गोविंद सिंह के बयान पर सज्जन सिंह वर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। सज्जन सिंह वर्मा ने कमलनाथ को सीएम फेस बताया, वहीं बीजेपी कांग्रेस नेताओं के बयान पर तंज कस रही है। कांग्रेस से सीएम का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर तकरार जारी है। गोविंद सिंह के बयान पर सज्जन सिंह वर्मा ने प्रतिक्रिया दी। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि दिल्ली में 22 बड़े नेताओं की बैठक में गोविंद सिंह भी मौजूद थे और इस बैठक में स्पष्ट कहा गया कि कमलनाथ हमारे नेता हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह जी कभी कभी भूल जाते हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं। क्या विधायकों ने उनको चुना है? क्या नहीं चुना? आप वरिष्ठ थे तो हमने भी मान लिया कि चलो गोविंद सिंह जी बन रहे हैं तो बना दो। इसी तरह कमलनाथ जी और कांग्रेस के नाम पे इस प्रदेश में वोट पड़ेगा। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सीएम फेस को लेकर कहा था कि ये चुने हुए कांग्रेस के विधायक तय करेंगे। साथ ही ये भी जोड़ दिया कि कांग्रेस में पहले सीएम फेस घोषित करने की परंपरा नहीं है। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, हम कांग्रेस की ये परंपरा नहीं है पहले से सीएम घोषित करने की। जब जनता प्रदेश को जनता चुनेगी, विधायक चुनेगी, वो हमारा नेता होगा। उधर सीएम के चेहरे पर कांग्रेस के अंदर चल रहे घमासान पर बीजेपी को मौका मिला तो पार्टी ने चुटकी ली और कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप लगाए। देखिए, हम तो शुरू से ही बोलते थे कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई पार्टी है, कांग्रेस कबीलों में बटी हुई पार्टी है और समय समय पर इनका जो खुला लोकतंत्र की जो दुहाई देते हैं वो जनता के सामने आता रहा है। दिल्ली में हुई बैठक के बाद एमपी कांग्रेस ने कमलनाथ की अगुवाई में चुनाव लड़ने के साथ ही सीएम फेस भी करार दिया था। गोविंद सिंह इसे समर्थकों की मांग बता रहे हैं। जाहिर है ऐसे में बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेंगे। शैलेंद्र सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कांग्रेस नेताओं के ये बयान बताते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल सुमित, कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा और यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष कुछ और बयान देते हैं और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा कुछ और बयान देते हैं। हालांकि ये बात सही है कि अगर कांग्रेस पे भले ही आधिकारिक तौर पर कभी ये घोषित नहीं किया जाता है कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा या पार्टी जब चुनाव जीत कर आएगी तो कौन होगा, क्योंकि कांग्रेस का ये लोकतंत्र है कि जब भी, या कांग्रेस की कहें या दूसरे राजनीतिक दलों में भी अक्सर ये देखने में आता है कि जब चुनाव होता है उसके बाद विधायक दल की बैठक होती है और विधायक दल में ही ये चुना जाता है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। और यही बात डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि दिल्ली की जो बैठक है उसमें एक सर्वसम्मति ये भी बनी थी कि जो मध्य प्रदेश के तमाम लीडर पहुंचे थे उन्होंने एक सुर में कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की थी और कहा था कि यदि पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कमलनाथ ही होंगे। और उसी बात का हवाला जो है वो नेता जो सज्जन सिंह वर्मा दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं, पार्टी कितना भी कहे कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन नेताओं के बयान से कुछ और ही नजर आता है। शैलेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए। इसी के साथ ही 23 की महाभारत में इतना ही। नमस्कार।